हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी है भाई बहन का प्यार, तो आइए सुनते हैं। अमित, जो भाई का नाम है, अमित एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था और हमेशा अपने पिता के कामों में मदद भी करता था। ऐसे तो वह बस सिर्फ 12वीं क्लास का छात्र था, लेकिन उसमें गजब का आत्मविश्वास था। वह अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता था और साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। अमित की माँ का 2 साल पहले ही देहांत हो चुका था और एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी इसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि अमित के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाते थे। छोटी बहन को भी पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वो पढ़ाई करने लगती है। एक दिन छोटी बहन के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे में आने के लिए कहा और साथ में उसे रेड कलर का ड्रेस पहनने को कहा क्योंकि उसके बर्थडे पार्टी की थीम रेड कलर की थी। अमित की बहन समझदार नहीं थी, वह बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर देना, कल मुझे बर्थडे में जाना है जहां रेड कलर पहनना होगा, ऐसे में अगर मैं नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। अमित बोला, अरे ड्रेस से क्या लेना देना, तू बस उस पार्टी में जाकर मजे करके आना। बहन रोते हुए, नहीं भैया, मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी पे नहीं जाऊंगी। अमित अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस लाकर दे दी। वो लगभग 1500 रुपये की थी, जिसके लिए वह अपने दोस्त से उधार पैसे लिए। ऐसे तो बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के आगे तो कुछ नहीं कर पा रहा था। अमित के पिताजी बोले, तू अपनी बहन को बिगाड़ते जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं। देख बेटा, उसके अंदर भी यह समझदारी होनी चाहिए कि वह हमारी मजबूरी को समझ सके, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। और ये सब बातें दूर से ही अमित की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ भी देने से मना किया है और उसे समझदार होने की बात कही, क्योंकि उसके हिसाब से वह तो सबसे ज़्यादा समझदार लड़की थी। उसने अपने पिताजी और अपने भाई की मजबूरी को भी सुनते हुए नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का हर सामान मिल जाता था जो वह चाहती थी। अमित दिन भर अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता था, वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन अमित पढ़ाई कर रहा था कि अचानक उसके दोस्त राजीव का फ़ोन आया जो उसने कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। राजीव, अरे चलना यार, वैसे भी तू रोज़ रोज़ काम करता है, कभी दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर। अमित, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम दोनों के साथ आना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और ना ही मैं अपने पिताजी को ऐसी कोई ख्वाहिश करना चाहता ताकि मेरे पिताजी परेशान हो जाएं। राजीव के बहुत कहने पर भी अमित तैयार नहीं होता, वह हमेशा पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना चाहता है। यह सब बात सोते हुए अमित की बहन सुन लेती है, जिसे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगता है कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, वह खुद के लिए कभी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में अमित के पिताजी को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। इधर अमित की बहन कहती है, भाई मेरी सहेली बता रही थी कि शहर में मॉल है जिसमें अच्छी प्रदर्शनी लगी है, जहाँ पर बहुत तरह तरह के डिजाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वो भी सस्ते दामों में, मुझे वहाँ से कोई अच्छी सी ड्रेस लेकर देना जिसे मैं अपने बर्थडे में पहन सकूँ, मेरी सहेलियों को नीचा दिखा सकूँ। अमित, तुम यह गलत सोच रही हो, हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। बहन, भैया आप ही हैं मुझे दिला सकते हैं, लेकिन पिताजी हमें कभी नहीं लेने देंगे, दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी मेरा ध्यान नहीं रखते। अमित उस समय चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी मालूम होती है, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी अमित को ख्याल आता है
कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए तो पास की ज़रूरत होती है जो बहुत महंगे होते हैं। ऐसे में वह दौड़कर अपने गुल्लक को देखता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है ताकि वह अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी के पास उपलब्ध करा सके। और यह सब देखकर अमित की बहन का कलेजा फट जाता है और उसे जोर से रोना आ जाता है। उसे रोता हुआ देखकर अमित दौड़कर अपनी बहन के पास जाता है। क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? बहन रोते हुए, आज तक आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा, हर वो चीज़ मुझे दिलाई जो मैं मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतजाम कहाँ से करते हैं। लेकिन आपको यह एक एक रुपए जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। अमित बोला, अरे बस बस, इतना सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बस उसी वक्त अमित की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज़ निकाल कर लाती है और अमित की आंखों में हाथ रखकर कहती है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से अमित चौंक जाता है और जैसे ही वह अपनी आंखों से बहन का हाथ हटाता है तो देखता है कि उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सा शर्ट लेकर आई है। ये तो बहुत महंगी है, पर तुम कहाँ से लेकर आई? बहन, आपने जो मुझे थोड़े थोड़े पैसे खर्च के लिए दिए थे ना, मैंने उसी से जोड़ कर रखा था। सोचा था कि अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस लूँगी, लेकिन जब मैंने आपके दोस्त की बात सुनी और आपने उसे पार्टी से जाने के लिए मना कर दिया तो बस उसी टाइम मैंने ठान लिया कि मैं आपको एक खूबसूरत सी शर्ट ला के दूँगी। उम्मीद करती हूँ भैया कि आपको यह शर्ट पसंद आएगी। अमित खुश होते हुए, अरे ये तो बहुत अच्छी है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए कोई इतना भी कर सकता है। बहन भावुक होते हुए, यह तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। मैं अब हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी फिजूल खर्च नहीं करूंगी। वह यह बात सही है, जितनी चादर होती है हमें पैर उतना ही फैलाना चाहिए। बहन की समझदारी बातों को सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी अमित के साथ साथ बहन के लिए भी गर्व के भाव आ जाते हैं और वे दोनों को बच्चों को अपने गले से लगा लेते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है खुशियाँ हमेशा छोटी छोटी घटनाओं, छोटी छोटी मूवमेंट में छुपे होते हैं। कभी भी किसी के लाइफ में किसी के लिए भी बड़ा प्लान करने की बजाय किसी के लिए एक छोटा सा भी प्रयास बहुत मायने रखता है। किसी के लिए एक बड़ा महंगा उपहार खरीदने की बजाय किसी के साथ दो पल बैठकर उससे बात कर लेना बहुत बढ़िया उपहार होता है। लाइफ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को हमारा महंगे लाखों का गिफ्ट में कोई रुचि नहीं होती, उनके साथ बस एक शाम गुजार लो वही बहुत होता है। काफ़ी लोग इसी खूबसूरत और अनमोल रिश्ते को सहेज नहीं पाते। ये हमारे लिए किसी कीमती रिश्ते, किसी महंगे गिफ्ट से कम नहीं, और भाई बहन का प्यार तो अनमोल है। तो दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, दो लाइनें भाई बहन के लिए, हर रिश्ते से भी अच्छे कुछ रिश्ते खास होते हैं। हर रिश्ते से भी अच्छे कुछ रिश्ते खास होते हैं। कुछ भी अच्छा नहीं लगता जब भाई अपनी बहन से उदास होते हैं। खुश नसीब है वो बहन जिसके सर पर भाई का हाथ होता है। खुश नसीब है वो बहन जिसके सर पर भाई का हाथ होता है। चाहे कुछ भी हालात हो, ये रिश्ता हमेशा साथ रहता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारे कमेंट हमें ज़रूर भेजें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।